नमस्कार, मैं संजू रपरिया, संजूस किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी एक छोले कुलचे बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए कुलचे का डो लगा लेते हैं। कुलचे बनाने से पहले घी या ऑयल या बटर थोड़ा सा आप लगा दीजिए, जिससे क्या होगा ना, हमारा आटा इसमें चिपकेगा नहीं। अब हम देखिए एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे, आधा कप मैंने मैदा ले लिया। मेरा ये चक्की का आटा था इसलिए मैंने आधा मैदा डाल दी। चक्की का आटा थोड़ा मोटा होता है ना, इसलिए मैंने मैदा डाल दिया आधा का। अगर आपका आटा बाजार का हो, आशीर्वाद या कोई भी आटा हो आपका, तो उसमें आप मैदा नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। और आप कुलचे आप पूरे मैदे में भी बना सकते हैं, कुलचे आप पूरे आटे में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैंने एक कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा इसमें डाल दिया है। एक चम्मच खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। अब देखिए आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, मैं एक चम्मच शुगर पाउडर डाल देंगे। और देखिए ये चार चम्मच हम इसमें बटर डाल देंगे, मेल्टेड बटर है। बाकी सामग्री इसी नाप से लीजिएगा, पर मैदे का बनाएं तो आप दो कप मैदा लीजिएगा। बस अच्छे से ये बटर आटे में मिला लीजिए। देखिए ये कुलचा बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए सोडे को एक्टिवेट करने के लिए इसमें हमें दही डालना होगा, तो 4 टेबलस्पून हम इसमें दही डाल देंगे। स्पैचुला से देखिए मिक्स कर लिया। अब हम हाथ से करेंगे, देखिए हमने इसमें अभी भी पानी नहीं डाला है, फिर भी देखिए कितना अच्छा डो बन रहा है। लेकिन इसमें पानी डालेंगे हम। अब देखिए मैंने आधा कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपका दही पतला होगा ना, तो पानी आप थोड़ा सा संभल के डालिएगा, कम डालिएगा। मतलब इसमें मैंने 1/4 के लगभग पानी डाल दिया है। थोड़ा सा बटर ले लेंगे, देखिए इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपने छोले बना लेते हैं। टॉवल को मैंने हल्का सा छींटे डाल के गीला कर लिया था। चलिए छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए देखिए रात को मैंने ये छोले भिगो दिए थे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, बॉईल करेंगे और 2 ग्लास पानी डाल देंगे। छोलों को उबाल लेंगे। 5 से 6 सीटी लेने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। छोले बनाने के लिए देखिए कढ़ाई रख दी है मैंने, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। कि तेल हमारा गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 तेज पत्ती डाल देंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। अब देखिए ये मैंने पेस्ट बनाया था, 3 टमाटर, 1 टुकड़ा अदरक
और दो हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना लिया था, यह अब इसमें डाल देंगे। और अगर आप प्याज खाते हो तो इसमें आप प्याज भी टमाटर के साथ पीस के डाल सकते हो। आज मैं आपको छोले बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, छोले आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए टमाटर हमारा भून गया है, टमाटर में से तेल अलग हो गया है, देखिए है ना। और हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल सिम कर दीजिए। देखिए 1/4 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे इसमें। काली मिर्च जरूर डालिएगा, इसमें काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमने टमाटर में भी हरी मिर्ची पीसी थी और काली मिर्ची भी डाल दी है, तो आप संभल की मिर्ची डालिएगा। गैस की फ्लेम को देखिए, जब भी आप मसाला भुने या तो बंद कर दीजिए या स्लो कर दीजिए। मसाला देखिए हमारा भून चुका है, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अब हमारे छोले जो उबल चुके थे उन्हें डाल दूंगी। मसाले में छोले अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए पहले। थोड़ा सा देखिए इसमें नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच डालूंगी, क्योंकि उबलने में भी हमने नमक डाला था छोले में, इसलिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे, फिर बाद में हम चख लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। देखिए 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। देखिए गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, मतलब तेज़ आंच पे मैं 5 मिनट तक इसको उबालूंगी, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दूंगी। स्लो फ्लेम पर हम 10 मिनट और पकाएंगे, हमारे छोले बनके तैयार हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, आटा हमारा फर्मेंट हो गया, काफ़ी फर्मेंट हो गया, ये देखिए अच्छी जाली आई है ना। चलिए अब हम कुलचे बना लेते हैं। इसके 4 हिस्से कर लेती हूँ, के 4 कुलचे बनेंगे। आप इसे 5 भी बना सकते हैं, कुलचे आपकी मर्जी है, छोटे बड़े आप साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने इसमें से 4 कुलचे तोड़े हैं। इसमें बटर लगा देंगे 4 कुलचों में। आप घी भी लगा सकते हैं, इसकी लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, तरह से हम कुलचे की लोई बनाएंगे। चलिए हम कुलचे बनाते हैं। देखिए कुलचे बनाने के लिए आप बेल के भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से एक मोटी पॉलीथीन ले लीजिए। मैंने 2 राउंड शेप में, देखिए 2 राउंड शेप में मैंने पॉलीथीन काटी है, और आप इसमें एक लोई रख दीजिए। अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे ना तो कुलचे बहुत अच्छे बनते हैं। अब आप अंगूठे की सहायता से या फिर उंगली की सहायता से इसको फैला दीजिए इस तरह से। देखिए ये फैल चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, आप अगर कलौंजी खाते हो तो कलौंजी भी डाल सकते हैं। थोड़े से हरे धनिया की पत्ती डाल दीजिए इसके ऊपर, वापस उंगली से थोड़ा सा दबा दीजिए, थोड़ा सा पानी हाथ लगा देंगे। हाथ में ले लेंगे, ये उल्टे साइड भी हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जिस तरह से हम बाजरे की रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा पानी लगाते हैं हाथ की रोटी बनाते हैं, इसी तरह से आपको बनानी है।
संभल के रखिएगा, थोड़ा सा पानी के चारों तरफ। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। चलिए कुलचा चेक कर लेते हैं, देखिए कितना फूला है हमारा कुलचा। वाओ, देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। देखिए कुलचे आप बना के भी रख सकते हैं, इस तरह से बाजार में मिलते हैं ना, ऐसे आप बना के रख लीजिए फ्रीज में, कटोरदान के अंदर बंद करके फ्रीज में रख लीजिए, तो एक से दो दिन ये ख़राब नहीं होंगे। और आपको अगर तुरंत बनाना है तो आप इसमें ऐसा करिए, या तो आप गैस पे सेक लीजिए या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आप बटर लगा दीजिए। मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी। देखिए कितना अच्छा हमारा कुलचा सिका है। देखिए हमारा कुलचा कितना अच्छा सिका है, आपको दिख रहा है कैमरे में, और इसके लिए फूला कितना है, देखिए कितना फूला है, ये देखिए फूल के कितना मोटा हुआ है, बिल्कुल ब्रेड की तरह बन गया है। देखिए अब एक कुलचा हमें आपको बेल के भी बता देती हूँ। थोड़ा सा बटर लगाएंगे चकले पे और लोई पर, इसमें आप पलोथन बिल्कुल भी मत लगाइएगा। इस तरह से आप पीछे की तरफ बेलन को खींचिए और इधर इस तरह से खींचिए, थोड़ी सी अजवाइन लगा देंगे इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया की जगह आप कसूरी मेथी भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे इसमें, जिससे ये इसमें चिपक जाए। हाथ से इसको इस तरह से चिपका दीजिए, पानी का हाथ लगाना जरूरी है इसमें, क्योंकि पानी से इसमें स्टीम बनेगी और स्टीम से ये फूलेगा। अब ये पीछे भी हम पानी लगा देंगे जिस तरह से पहले लगाया था हमने, और इसे भी हम तवे पे रख देंगे। चलिए कुलचे को चेक कर लेते हैं। वाओ देखिए कितना अच्छा फूला है हमारा ये कुलचा। बहुत ही सॉफ्ट बना है देखिए। अब आप इसको ना गैस पे भी सेक सकते हैं। चलिए हम आपको गैस पे जिस तरह से रोटी सेकते हैं ऐसे सेक के भी दिखा देते हैं। बहुत संभल के करिएगा, बहुत सॉफ्ट होता है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये देखिए हमारा इस तरह से हम रोटी सेकते हैं ना तवे पे, इस तरह से सिका है, कितना अच्छा सिका है ये भी। इस पे भी हम बटर लगा देंगे। देखिए हमारे छोले कुलचे बनके तैयार है, कितने बढ़िया हमारे कुलचे बने हैं। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए बहुत सुंदर बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। देखिए अगर आपको हमारी ये छोले कुलचे बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।